हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम फिर से एक और बड़ी भर्ती के यहाँ पर जानकारी लेकर आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग का नाम है यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज विभाग, जिसमें यहाँ पर व्यापार एवं विकास विभाग के अंतर्गत जो कि मैनेजरियल पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि सहकारी संघ मर्यादित कंपनी, जो कि आपका शासकीय, जो कि मंडी विभाग का जो रहता है आपका लघु वनोपज विभाग, जो कि सोसाइटी वगैरह, जिसके अंतर्गत जो कि अधिकारी पद के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कुल यहाँ पर 180 पद है, जो कि आपका संविदा के रूप में निकाला गया है। ठीक है, यह जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है सीजी व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, जिसके लिए चयन प्रक्रिया आपका लिखित परीक्षा के द्वारा होगा। ठीक है, और लिखित परीक्षा के द्वारा जो भी मेरिट बनेगा उसके आधार पर यहाँ पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो योग्यता है यहाँ पर केवल यहाँ पर स्नातक कंप्लीट होना चाहिए कुछ पद में, और कुछ पद में यहाँ पर बीटेक, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एमबीए किया हुआ होगा वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में बीएससी किए हुए हैं जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वो यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। केवल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करने होंगे। अब बात करते हैं इस पर जो वैकेंसीज है, पूरी डिटेल्स से हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या क्या चयन प्रक्रिया डिटेल्स रहेगा, नंबर ऑफ पद कितने हैं यहाँ पर, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं प्रबंधक सहायक प्रबंधक, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर बोलेंगे इसे, प्रबंधक का मतलब, जिसमें से उपार्जन विभाग में 100 पद हैं। वेतन सभी का सेम रहेगा, 35,750 रुपये एकमुश्त संविदा भर्ती है, जिसमें यहाँ पर उपार्जन विभाग में असिस्टेंट मैनेजर के लिए सहायक प्रबंधक 100 पद हैं। प्रक्रिया में यहाँ पर 50 पद हैं, निर्माण में यहाँ पर 15 पद है, और प्रबंधन एमबीए के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए 15 पद। तो यहाँ पर योग्यता जो है तीनों के लिए अलग अलग है। यहाँ पर उपार्जन विभाग के लिए यहाँ पर बीएससी यहाँ पर एग्रीकल्चर में होना चाहिए कंप्लीट। प्रक्रिया के लिए बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए, बीटेक जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, मैकेनिकल। निर्माण के लिए आपका बीटेक सेम कहाँ सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। प्रबंधन के लिए आपको यहाँ पर पीजी कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एमबीए कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये सभी क्वालिफिकेशंस है, बाकी डिटेल से आपको क्वालिफिकेशन में आगे बताता हूँ। यहाँ पर कुल 180 पद हैं इस प्रकार से। तो उपार्जन के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 60% के एग्रीगेट, जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए 55% जो है आपका एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रहेगा सभी पद के लिए। तो उपार्जन विभाग के लिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री में बीएससी कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन। और यहाँ पर प्रक्रिया में आप देख सकते हैं बीटेक यहाँ पर मैकेनिकल में यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, परसेंटेज क्राइटेरिया सेम रहेगा। तीसरा जो पद है निर्माण के लिए बीटेक, जो कि आपका सिविल में यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। और तीसरा जो पद है यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है, एमबीए कंप्लीट होना चाहिए आपका, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन हो, उसके बाद आपने अगर एमबीए कंप्लीट किया हुआ है स्नातकोत्तर पीजी कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पर इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आयु सीमा सभी पदों के लिए आपका यहाँ पर 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। बाकी जो है रिजर्व कैटेगरी वाले एससी एसटी ओबीसी को 5 वर्ष और जो भी है आयु सीमा छूट मिलती है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को, और भूतपूर्व सैनिक जो पहले से संविदा कर्मी हैं या फिर जो रेगुलर पद पर कर्मचारी हैं उनके लिए भी आयु सीमा में छूट दिया जाता है। वो सभी आपका यहाँ पर कंडीशंस दिया गया है, आप यहाँ पर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल से। ठीक है, नियम शर्तें की बात किया जाए, यहाँ पर लिखित परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद यहाँ पर आपका जो प्राप्त अंक रहेगा उसके आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा, उसके आधार पर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह डिटेल्स अन्य जो प्रक्रियाएं हैं वो सभी कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पर चयन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर संविदा प्रकार का भर्ती है। ठीक है, तो जो भी है इसके लिए इंटरेस्टेड हैं आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो है
नियुक्ति जो कि संविदा है तो 1 वर्ष के लिए नहीं है, यहाँ पर 3 वर्ष के लिए यहाँ पर है, ठीक है। संविदा भर्ती तो 3 वर्ष के बाद आपको यहाँ पर रेगुलर भी किया जाएगा, ठीक है, यह जो भर्ती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आवेदन कब से कब करना है, इसके लिए मैं आगे आपको नेक्स्ट आपको PDF में बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, CGBAPM के द्वारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो गया है, चल रहा है। 12 मई से यहाँ पर आवेदन करना स्टार्ट हो गया है और 29 मई तक यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन में जो भी त्रुटि है उसे 30 मई से लेकर 1 जून तक आप यहाँ पर उसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। प्रवेश पत्र जो है 5 जून को ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा और इसका जो है संभावित जो कि एग्ज़ाम का डेट है यहाँ पर 11 जून रखा गया है, संडे को, ठीक है। तो इसका जो है टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा, ठीक है। यह 2 पद के लिए यहाँ पर, ठीक है, टाइमिंग जो है 9 से 12 आपका जो है उपार्जन और प्रक्रिया विभाग के लिए और निर्माण विभाग के लिए, और जो मैनेजमेंट वाला प्रबंधन विभाग का जो पद है उसके लिए आपको 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक आपका जो है परीक्षा का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। डेट सेम रहेगा 11 जून को। बाकी परीक्षा केंद्र 5 जो है संभागीय जिलों में यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसका जो है डिटेल्स, आवेदन कैसे करने हैं डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, सिलेबस भी आपको यहाँ पर ECP ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र आपका देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या रहेगा संभाग में, जैसे कि अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर में यहाँ पर कोड नंबर दिया गया है, और इन सब संभाग में कौन कौन से यहाँ पर विद्यालय में आपका रहेगा, विद्यालय का नाम भी आपको पहले से दे दिया गया है, ठीक है। तो जो भी ये कैंडिडेट इसके रिगार्डिंग यहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत हो, डाउट हो, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।